एक प्रश्न है, पूछा है, आप कहते हैं प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम की लोगों ने अनेकों व्याख्याएं की हैं, प्रेम की सबकी अपनी अपनी समझ है, परमात्मा यूनिवर्सल है तो प्रेम भी यूनिवर्सल होगा, हम इस प्रेम को अपने जीवन में कैसे पहचानें, कृपया समाधान करें। ये बात मैं ही नहीं, सारे मास्टर्स कहते रहे हैं कि प्रेम परमात्मा है या परमात्मा प्रेम है, लेकिन प्रेम परमात्मा है ये कहते ही बात बड़ी उलझ जाती है। परमात्मा जिस तरह से अदृश्य है, एक नियम है और सर्वव्यापी है, लेकिन हम तो प्रेम को ऐसे नहीं देखते कि वो अदृश्य हो, सर्वव्यापी हो, एक नियम की तरह हो। प्रेम हमारे लिए एक संबंध होता है। पहली चीज तो यही समझेंगे कि प्रेम कोई संबंध नहीं है, प्रेम एक आंतरिक अवस्था है जो संबंधित होने के लिए हमको तैयार करती है। प्रेम एक आंतरिक नियम है जो हमको एक दूसरे से जोड़ता है। ये चीज अगर समझ लें तो परमात्मा जैसा हुआ। लेकिन जब लोग कहते हैं प्रेम करो, तो क्या करो, प्रेम के नाम पर हम क्या करें, ये बड़ी भारी गुत्थी है। हर कोई कहता है प्रेम करो, कोई कहता है मुझसे प्रेम नहीं करता कोई, घर में भी इसी बात का संघर्ष चलता रहता है कि हमसे कम प्रेम है कि ज़्यादा है, कि प्रेम बढ़ रहा है कि घट रहा है। अब परमात्मा अगर उसको हम कह दें तो उस पर तो ये कोई बात नहीं लागू होती कि वो बढ़ता है क्या, घटता है क्या, दूर होता है क्या, पास होता है, वो तो एक परिपूर्णता है, एक फुलफिलमेंट है। तो निश्चित ही कि प्रेम का जो फिनोमेना है, जो प्रेम की बात कही जाती है और जो लोग प्रेम समझते हैं, उसमें एक गैप है, उस गैप को समझना पड़ेगा। अगर प्रेम को परमात्मा कहा जाए और परमात्मा को एक नियम माना जाए, कॉस्मिक लॉ, तो उसमें एक नैसर्गिक व्यवस्था ऐसी है जो हमारे पूरे जीवन को सपोर्ट करती है, सहयोग करती है, संभालती है उसे। परमात्मा की हम परिकल्पना ऐसे ही तो करते हैं कि वो एक ऐसा कॉस्मिक लॉ है, जागतिक नियम है जो पूरे जगत को संभालता है और उसको ठीक से व्यवस्था देता है। प्रेम भी ऐसा ही है, वो अपने ही ढंग से विकसित होता है और हमारे जीवन को अपने ही ढंग से पोषण देता है। हम उसकी मांग नहीं कर सकते, हम उसके प्रति आक्रामक नहीं हो सकते, पॉजेसिव नहीं हो सकते। प्रेम को लेकर ये सारी बातें होती हैं, प्रेम को लेकर लोग आक्रामक होते हैं, प्रेम को लेकर पॉजेसिव होते हैं, क्योंकि वो प्रेम को एक संबंध की तरह देखते हैं। और जितना वो आक्रामक होते हैं, जितना पजेसिव होते हैं, उतना ही प्रेम गायब होता चला जाता है। प्रेम अल्टीमेट सेंसिटिविटी है और जीवन को विकसित होने देने की पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है। जीवन जब विकसित होगा तो उसमें सृजन और विनाश, जन्म और मृत्यु दोनों शामिल होंगे। इसीलिए प्रेम जब सचमुच में किसी के भीतर घटता है या किसी को सचमुच में प्रेम का दर्शन होता है, तो अपनी पुरानी कंडीशनिंग के चलते हुए उसको अच्छा भी लगता है और भय भी पकड़ता है। अगर वास्तविक प्रेम से किसी का आमना सामना हो तो उसको वो डरावना भी लगता है और लुभावना भी लगता है, दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। अब ये व्यक्ति नहीं समझ पाता कि इसमें भय कहाँ से आ रहा है, तो उसको फिर वो इंटरप्रेट करता है कि भय शायद इसलिए आ रहा है कि ये प्रेम कल को ख़त्म ना हो जाए, इसके लिए ये भय पकड़ रहा है, तो अब हम इंतजाम करते हैं कि कल को ना ख़त्म। लेकिन ऐसा तो कोई इंतजाम आज तक कर नहीं पाया। भय इसलिए पकड़ता है क्योंकि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए पीछे से मृत्यु भी आएगी, सृजन को आगे ले जाने के लिए पीछे से मिटना भी आएगा,
तो प्रेम जब हमें एक नई परिभाषा देता है तो हमारी पुरानी परिभाषा को मिटा भी देता है, मिटाने लगता है हम। और जब तक हम पुराने ढांचे और पुरानी परिभाषा के मिटने से ना गुजरें, प्रेम के नए ढंग और उसकी नई खिलावट को अनुभव नहीं कर पाते। इसीलिए जिन लोगों की अपनी आइडेंटिटी पर बहुत पकड़ होती है, जो अपनी आइडेंटिटी को कभी भी लूज करना नहीं चाहते, वो कभी भी प्रेमपूर्ण नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी ही उसमें बाधा बन जाती है। और प्रेम तो सारी आइडेंटिटी को पहले ख़त्म कर देगा, या कम से कम जिस क्षण में आप प्रेमपूर्ण होंगे उसमें आइडेंटिटी लेस होंगे, वही परमात्मा जैसा हुआ। यानी कि परमात्मा की कोई आइडेंटिटी तो है नहीं, कोई आइडेंटिटी अगर बना पाता है, उसके बनाने की कोशिश करे, तो ये उसका एक काल्पनिक ढांचा ही होता है। ईश्वर की जो धारणाएं भी व्यक्ति ने बनाई हैं, वो इसीलिए कि कोई पकड़ बना पाए उस पर, हम उसके ऊपर कोई अपनी तरफ से धारणा आरोपित करें ताकि वो हमारी रीच में आए। लेकिन अगर हम रियल सेंस में परमात्मा की बात देखें, तो जो भारत में सारा दर्शन कहता है वो तो इस तरह का है कि जो न शब्दों की पकड़ में आएगा, ना हमारी समझ के पकड़ में आएगा, ना हमारे किसी अनुभव की पकड़ में आएगा। वो इतना सर्वव्यापी नियम की तरह, तो प्रेम भी कैसे पकड़ में आएगा? लेकिन प्रेम जब घट रहा होता है तो जीवन को सहयोग दे रहा है, ये तय है, इसीलिए उसका आकर्षण। परमात्मा भी जीवन को हमेशा सहयोग दे रहा है। परमात्मा ऐसा नहीं, कोई परमात्मा कहीं बैठा है और जीवन को सहयोग दे रहा है, इसीलिए लोग कहीं उसको मंदिर में कन्फाइन करने की कोशिश करेंगे, तो कोई किसी और जगह कन्फाइन करने की कोशिश करेंगे, कोई किसी बाबा और किसी स्ट्रक्चर ढांचे में उसको कन्फाइन करने की कोशिश करेंगे, और उनको लगेगा कि शायद ये सहयोग वहाँ से आएगा, शायद सहयोग वहाँ से मिलेगा, जबकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सहयोग तो कॉस्मिक है, जागतिक है, और इतना मिस्टीरियस है कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते कैसे कैसे वो घटता है। अब अगर जब गर्भ में एक बच्चा भी विकसित होता है, तो उसको अगर हम एक प्रेम की घटना की तरह देखें, जो कि है, शरीर में एक जीवन विकसित हो रहा है, इससे ज़्यादा प्रेमपूर्ण क्या होगा? और आपने उसे स्वीकार किया है, आपने उसे विकसित होने देने का पूरा मौका दिया है। आप विकसित कर नहीं रहे, आपने स्वीकार किया है, मौका दिया है। और आप मिस्ट्री देखिए, अपने वक्त पर जो जो होना है वो अपने वक्त पर होता है। यानी जो मिस्ट्री है, कॉस्मिक मिस्ट्री, वो उसको सपोर्ट कर रही है। आपको नहीं पता कैसे और कब सपोर्ट करिए, आप तो अपना नॉर्मल जीवन जिएंगे, खाएंगे पिएंगे। स्त्रियां इसीलिए कमोबेश थोड़ा लगता है कि लोगों ने माना कि वो ज़्यादा प्रेमपूर्ण होती हैं, या माँ को हमने मान लिया कि वो ज़्यादा प्रेमपूर्ण होती है। इस हाइपोथेसिस में बस यही बात थी, हमेशा वो प्रेमपूर्ण होंगी, हमारे कंसेप्ट के हिसाब से ज़रूरी नहीं है। लेकिन माँ के शरीर में जो घटना घट रही है वो जागतिक प्रेम की घटना है, क्योंकि आप उसको मार तो नहीं रहे हैं ना। बच्चा आया, अब आप उसका एबॉर्शन कराएं, एबॉर्शन के लिए लोग जो विरोध में रहे वो बात यही रही कि वो भी एक किस्म की हत्या हुई, तो कई धर्मों ने एबॉर्शन को मना किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि तकनीकी जो खामियां पैदा हुई कि कभी कभी किसी को जीवन में लाना ही इतना अप्रेमपूर्ण हो जाता है कि उसको जीवन में ना लाना, ना लाने का चुनाव भी बहुत प्रेमपूर्ण होता है। तो विकसित वक्त में हमने उसको स्वीकार किया, और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि वो भी उचित है, एक ढंग से उचित है, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत है। उस विषय को हम इस समय छोड़ें, उसकी मिस्ट्री को समझें। अब बच्चा जब विकसित हो रहा है आपके शरीर में, तो कब उसके शरीर का कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, कब उसके कान बनेंगे, कब उसकी आंखें डेवलप होंगी, कब उंगलियां उसकी फ्री होंगी, और कब उसका ब्रेन डेवलप होगा, ये पूरा सिस्टम है। साइंटिफिकली तो हम सब जानते हैं कि कब कब क्या होगा, लेकिन कभी ये क्वेश्चन आप पूछ कर देखिए और एक्सप्लोर करके देखिए कि ये
क्यों होता है, कभी ही क्यों होता है, ऐसा तो नहीं होता है कि रेडीमेड एकदम से आया बना पूरा का पूरा और पैदा हो गया बच्चा, ऐसा तो नहीं होता। वो ग्रो करता है ठीक वक्त पर, वो कॉस्मिक जो लॉ है एक सर्टेन स्टेज की मैच्योरिटी पहले आने देता है, उस सर्टेन मैच्योरिटी के बाद फिर अगली स्टेज आती है। अभी लॉन में एक पौधा हमारे लगा है, अभी मैं उसको देख रहा था तो यही बात मुझे लगी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो उसमें पत्तियाँ आ रही, वो बड़ा हो रहा है, अच्छा लग रहा था बड़ा हो रहा है। फिर एक पॉइंट पर आकर अभी कुछ दिन पहले उसकी पत्तियाँ रुक गईं, तो मुझे लगा कि ये अभी तो जल्दी जल्दी बढ़ रहा था, अभी रुक गया, अभी उसको और बढ़ना चाहिए था। फिर कुछ दिन बाद मैंने देखा कि जो पत्तियाँ अभी आई थीं और जो उनकी ब्रांचेज थीं वो अभी डेलिकेट थी, कुछ दिन बाद हफ्ते दस दिन बाद जब वो ब्रांचेज स्ट्रांग हुई, यानी कि वो अगली पत्ती का लोड लेने के लिए कैपेबल हुई, तब फिर उसमें से अगली पत्तियाँ निकली। यूँ तो रोज़ पत्तियाँ निकलती हैं आप देखिए, लेकिन इस फिनोमेना को देखिए कि ये कौन सी विजडम है जो उस पौधे में भी आती है कि अगली पत्तियाँ तब आनी चाहिए जब पिछली पत्तियाँ उसके लोड को लेने में कैपेबल हो जाएं। यही तो प्रेम है और यही परमात्मा है। यानी कि प्रेम ऐसा नहीं है कि बेवक्त तो भरता है और चीज़ों को ख़त्म कर देता है। फिर यही पौधा जब अभी आगे बढ़ जाएगा अपनी सारी उसमें, फिर इसमें नया प्रोसेस शुरू होगा पत्तों के गिरने का, फिर उनके आने का, पतझर का, और फिर नई कोपलों के आने का, वो मृत्यु और जीवन का सिलसिला शुरू होगा। यानी कि जो पत्ते मुझे अभी अच्छे लग रहे हैं, अगर मैं उनसे ये मोह पालूं कि अभी बड़े अच्छे लग रहे हैं इनको नहीं जाने देना है, तो अगले पत्ते तो आएंगे ही नहीं फिर, और जो वृक्ष है वो ख़त्म हो जाएगा। यही तो प्रेम है कि पतझर भी आता है और नई कोपले भी फूटती। तो जब हम किसी व्यक्ति के भी प्रेम में हों तो उसके जीवन में भी हम पतझर का भी स्वीकार करें और वसंत का भी स्वीकार करें, दोनों का। लेकिन आम तौर से जब हम संबंधों में होते हैं तो हमने पतझर को डिलीट कर दिया है, उसको स्वीकार नहीं किया है। व्यक्ति के इवोल्यूशनरी साइकिल को हमने एक्सेप्ट नहीं किया है। और अगर हम उसके खुश होने की कामना करते हैं, वो तो कामना आपकी बड़ी अच्छी है, जिसको हम प्रेम करते हैं वो खुश रहे, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अभी अगली खुशी का लोड संभालने के लिए उसकी तैयारी तो हो जाए तब अगली खुशी आएगी। आप उसके ऊपर इतनी खुशियाँ लाद दें कि वो क्रैश कर जाए, यानी कि उसकी डाल टूट कर धराशायी हो जाए। अक्सर बच्चे और आसपास के लोग इसी तरह से खुशियों से बर्डनड हो जाते हैं, इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेम और खुशियाँ लाद दी जाती हैं कि वो सफोकेटेड हो जाते हैं। जीवन में उदासी को भी स्वीकार करिए, जीवन में थोड़े डाउन फेजेस को भी स्वीकार करिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या चल रहा है, ये कौन सा प्रोसेस चल रहा है, ये आपको कौन सी स्ट्रेंथ दे रहा है। रात नींद की बैकग्राउंड पर सुबह की एक्टिविटी खड़ी होती है तो हम जानते हैं, एक्टिविटी खूबसूरत लगती है तो हम ये ठान लें कि अब नींद को तो आने ही नहीं देना है, तो हमारी एक्टिविटी कुछ दिनों में स्लो होते होते हमको बिस्तर पर ले आएगी। तो उस एक्टिविटी के लिए इनएक्टिविटी नीडेड है। और ये इतने ब्यूटीफुल पैटर्न में सिंथेसाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, वही परमात्मा है, यानी कि वही कॉस्मिक लॉ है। तो प्रेम की घटना भी जब घटती है तो इसी पैटर्न पे घटती, इतने टोटल स्मूथ एक्सेप्टेंस में हम फ्लो कर रहे होते हैं, कोई दबाव नहीं डाल रहे होते हैं, कोई हमारे तरफ से एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होता है, हम उसको पोषण दे रहे हैं, नर्चरिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं और जीवन विकसित हो रहा है, यानी कि दूसरा भी विकसित हो रहा है। अगर हम संबंधों की बात भी करें तो प्रेम इस स्मूथ स्पॉन्टेनियस टोटल एक्सेप्टेंस का नाम है, जिसमें अतिशय संवेदनशीलता, हाइटेंड स्टेट ऑफ सेंसिटिविटी शामिल रहती है। और प्रेम क्या है, इसके सिवा और तो प्रेम कुछ भी नहीं है।